अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक अजीब बहस छिड़ी हुई है कि गूगल और फेसबुक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से कह दिया है कि हमें डिग्री से कोई लेना देना नहीं है और अगर आपको स्किल आती होगी तो हम आपको हायर कर लेंगे। अब ऐसी खबरों ने हमारे मुल्क पाकिस्तान में तहलका मचा दिया और बच्चे ये कह रहे हैं कि जी अब हमें पढ़ना नहीं है यूनिवर्सिटी में जाके, बल्कि हम स्किल एक्वायर कर लेंगे और उसकी वजह से हमें जॉब मिल जानी चाहिए। ये एक ऐसी डिबेट है जिसने हम जैसे प्रोफेशनल्स को और उन बच्चों के पेरेंट्स को भी परेशान किया हुआ है। हमारे साथ इस बार मौजूद है मोहम्मद वहीद असलम साहब, जो कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट की नंबर वन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। वहीद साहब, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपने मेरे साहब एक कहावत सुनी होगी कि ऑल्दो एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट टीचर बट डिग्रीज ओपन डोर्स। लेकिन अभी जो आपने सवाल किया, आपने कहा कि आज के ज़माने में जो दरवाजे हैं वो डिग्रियों से नहीं बल्कि आपका जो स्किल है उससे खुलते हैं, तो पुरानी कहावत तो सारी आपने ख़त्म कर दी, एक तरह से वो कहावत फेल हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं, बिला शुबा स्पेशली आईटी के फील्ड में स्किल की बड़ी अहमियत है। स्किल के साथ जॉब ज़रूर मिल जाती हैं लेकिन टेक्नीशियन लेवल जॉब मिलती है। जो लो लेवल जॉब्स हैं, ज़ाहिर है टेक्नीशियन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की दरकार होती है जो स्किलफुल होते हैं, जो अपनी स्किल के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बेहतर जॉब करनी है, अगर आपने लीडिंग जॉब करनी है, कहीं मैनेजरियल जॉब करनी है, तो फिर आपके लिए स्किल काफ़ी नहीं होगी। स्किल के साथ बिलाशुबा जॉब मिल जाती है इंट्री लेवल, लेकिन अगर आपने ऊपर जाना है, आपने प्रॉस्पर करना है, आपने एक्सेल करना है, तो फिर आपको डिग्रीज की जरूरत होती है। और बहुत सारे अदारे ऐसे हैं कि जो जैसे बीएस के बाद भी लेते हैं तो वो आगे लोगों को प्रमोट नहीं करते। मेरा बेटा एक कंसल्टिंग कंपनी में मैकिन्जी में काम कर रहा है और मैकिन्जी में अगर आप एक खास लेवल पे जाने के बाद अगर आपने एमबीए नहीं किया हुआ तो आप ऊपर नहीं जा सकते। और एमबीए भी दुनिया की जो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप यूनिवर्सिटी से करेंगे तो तब आपको आगे लेके जाया जाए। तो आज के ज़माने में डिग्री की ऐसी बात नहीं कि डिग्री की अक्सर ख़त्म हो जाएगी, अगरचे स्किल की जरूरत। और अगर आपने वाकई कोई लीडिंग रोल लेना है कहीं पे और आपने ऐसी जॉब करनी है कि आपने करना है, तो आपको कहीं ना कहीं स्पेशलाइज करना पड़ेगा। आपको मास्टर्स ही नहीं बल्कि आज का ज़माना तो पीएचडी का ज़माना है। जब तक आप रिसर्च के अंदर नहीं आएंगे, दुनिया में जितनी कौमें कामयाब हैं, जितनी कौमें लोगों पर हुकूमत कर रही हैं, लोग क्या दूसरी कौमों पर भी हुकूमत कर रही हैं, वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर करती हैं। और इंफॉर्मेशन जो है बुनियादी तौर पर वो एक्सट्रैक्ट करती हैं रिसर्च के जरिए से। जो तहकीक का शोबा है ये सबसे अहम है। आज कोविड-19 के बाद का जो ज़माना है, आप देखिए कि उसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। दुनिया भर की लेबॉरटरी सऊदी अरेबिया के अंदर पेड अब फंडेड रिसर्च के लिए कितने इश्तहारात आ रहे हैं कि लोग इसमें जो है वो इसकी प्रपोजल लिखें और इसकी रिसर्च के अंदर जाएं। और जब तक आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं होगी, जब तक आपने ने मास्टर्स और पीएचडी नहीं किया होगा, आप रिसर्च के अंदर नहीं जा सकते। और दुनिया में आप सब जानते हैं कि फैक्ट्री के अंदर किसी चीज़ को बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी पहले उसका डिज़ाइन बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। और ये वो काम है जो रिसर्चर करता है, ये वो काम है जो तालीम याफ्ता आदमी करता है, जिसके लिए आपको डिग्री की बहरहाल ज़रूरत है। आपको मास्टर्स और पीएचडी करना, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का शोबा है, चाहे वो इंजीनियरिंग का शोबा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल मैकेनिकल, हर शोबे के अंदर मैं समझता हूँ कि आज का ज़माना, पहले ज़माने में लोग बीएस के बाद जॉब मिल जाती थी, आज तो लोग कहते हैं कि जी आपको एमएस होना चाहिए और एमएस के बाद भी पीएचडी होना चाहिए। तो तालीम की ज़रूरत बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। इसलिए बच्चों को ये जो डिलेमा है, इससे बच्चों को पेरेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें निकालना चाहिए कि यस कि आप अगर स्किल हासिल कर लेते हैं तो आपको जॉब शायद मिल जाए, लेकिन आपको उस लेवल की उस दर्जे की जॉब शायद ना मिले जिसकी आज ज़रूरत है। कि हर शख्स को सिर्फ स्किल्ड वर्कर नहीं बनना बल्कि हमें लीडर्स दरकार हैं, हमारी कौम को लीडर्स दरकार हैं कि कौम के लोग आगे बढ़ के लीड कर सकें, ना सिर्फ अपनी कौम को बल्कि दूसरी कौमों को। जब से मोबाइल्स का ज़माना थोड़ा सा ऑन हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन की डिमांड बढ़ गई है, तो एक लड़का जो कि मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है उसको 80,000 से 1,00,000 रुपये की जॉब मिल रही है। अब इस वक्त जबकि वो 18 साल का है, 22 साल का है, उसको ये 80,000-1,00,000 रुपये की जॉब बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं कि वो 2-3 साल के लिए जॉब कर सकता है, लेकिन 2-3 साल में जो उसके खर्चे जहां तक पहुंचेंगे और उसके बाद उसकी ग्रोथ के मार्जिन रुक जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। यही वो नुक्ता है जो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। ये वो नुक्ता है जो कि बच्चों को जहन में होना चाहिए
इसलिए ये बात समझने की है कि दो तीन साल में उसके अखराजात जहां तक बढ़ने वाले हैं, जब उसकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो उसके लिए कुछ भी नहीं होगा और उसके लिए एक डेड एंड है, उससे आगे क्या जाएगा, वो यही कुछ कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि वो फॉर्मल तालीम हासिल करे और उसके साथ आगे जाए। ये पार्ट टाइम के लिए तो हो सकता है, लेकिन ये कि हर शख्स के लिए सिर्फ वो स्किल हासिल करे और फौरन जंप कर जाए जॉब की तरफ, शायद ये इतना मुनासिब ना हो। थैंक यू सो मच भाई साहब। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि स्किल अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको आनी चाहिए, लेकिन अगर आपने एक करियर पाथ परस्यू करना है तो उसके लिए इट्स ऑलवेज बेटर टू गेट अ डिग्री। इस बात का अंदाजा लगाइए कि आप कौन से शोबे में जाना चाहते हैं, कौन सा करियर पाथ अपनाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से अपने आप को डिग्री प्रोग्राम में एनरोल कीजिए। आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। अल्लाह हाफिज़।